हेलो फ्रेंड्स, अंश स्टडी गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। जैसे आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आपके एग्ज़ाम जो है इस बार ऑनलाइन कराए जाने वाले हैं, तो आपको ज़्यादातर आपके पूछे जाएंगे जो क्वेश्चंस, उससे संभावित क्वेश्चंस जो हैं उसके बारे में इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाला हूँ। तो आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ऑसिलोस्कोप का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए नहीं किया जाता है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर ए फ्रीक्वेंसी, नंबर बी पीक सिग्नल वोल्टेज ऊर्जा और वेव आकार। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ऑसिलोस्कोप का प्रयोग ऊर्जा दर्शाने के लिए नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, डिप्लीशन मोड मोसफेट डॉट डॉट। अब इसके आगे आपको भरना है। इसमें डुप्लीशन मोड पॉजिटिव एवं निगेटिव गेट वोल्टेज दोनों में काम कर सकता है, या केवल पॉजिटिव गेट वोल्टेज पर काम करता है, या केवल निगेटिव गेट वोल्टेज पर काम कर सकता है, वो एक क्षेत्र में काम नहीं कर सकता है। इसमें भी चार ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, पॉजिटिव एवं निगेटिव वोल्टेज दोनों में काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर तीन देखिएगा दोस्तों, इसमें लिखा है एस सी आर क्या है, यूनी डायरेक्शनल स्विच एक, या बाई डायरेक्शनल स्विच दो, या फोर डायरेक्शन चार, या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, यूनी डायरेक्शनल स्विच एक, एस सी आर एक स्विच है, ठीक है, उसमें सिंगल स्विच होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर चार, जे एफ ई टी का क्या अर्थ है, ज्वाइंट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फंक्शन इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या इनमें से कोई नहीं। जे एफ ई टी का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए, आई जी वी टी के तीन सिरे क्या हैं। इसका भी तीन सिरे हैं, आई जी वी टी उसके तीन सिरा है, उसका नाम बताना आपको, बेस एमिटर और कलेक्टर, और बी में गेट सोर्स और ड्रेन, सी में गेट एमिटर और कलेक्टर, और डी में बेस सोर्स और ड्रेन। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, गेट एमिटर और कलेक्टर, ठीक है, ये हमारा आई जी वी टी के तीन सिरे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छः देखिएगा, मोसफेट भी कह सकते हैं, या एम ओ एस एफ ई टी के तीन सिरे क्या हैं, कलेक्टर एमिटर वेस ड्रेन सोर्स वेस ड्रेन सोर्स गेट, कलेक्टर एमिटर या गेट। इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही है ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, मोसफेट में जो होती हैं उनके तीन सिरे, वो होता है ड्रेन सोर्स और गेट, उसका सिंबल आप जैसे कि देख रहे हैं चित्र में, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सात, जे एफ ई टी है एक करंट नियंत्रण उपकरण है, या इसका आउटपुट रेजिस्टेंस कम होता है, या एक वोल्टेज नियंत्रण उपकरण होता है, या हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होता है, तो इसमें क्या है ये आपको बताना है। इसमें भी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, एक वोल्टेज नियंत्रित उपकरण है, या जे एफ ई टी एक वोल्टेज नियंत्रित उपकरण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर आठ, उपयुक्त में बाईपोलर डिवाइस क्या है, आई जी वी टी जी टी ओ का और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, आई जी वी टी और जी टी ओ दोनों होता है बाईपोलर का डिवाइस है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नौ, एंड गेट का आउटपुट लो डॉट डॉट होगा पूरे समय के लिए, यदि इनपुट लो हुआ तब, यदि इनपुट बहुत ज़्यादा होगा तब, यदि सारे इनपुट हाई हैं तब। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, यदि इनपुट लो हुआ तो एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो भी लो होगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दस, लिखा है नॉर गेट का आउटपुट यदि एक है तो उपयुक्त में से कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन सही है, ए स्कल टू ए बी स्कल टू जीरो, ए स्कल टू जीरो बी स्कल टू वन, ए स्कल टू जीरो बी स्कल टू जीरो, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ए स्कल टू जीरो बी स्कल टू जीरो। यहाँ क्या लिखा है, नॉर गेट का आउटपुट यदि एक है तो उपयुक्त में कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन सही है, दोनों का जीरो जीरो सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर ग्यारह लिखा है, 0101 ब्रैकेट वन टू का दशमलव तुल्य मान क्या है, 5 6 7 8। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फुल अदर से क्या संदर्भ है, सीक्वेंशियल सर्किट या कॉम्बिनेशनल सर्किट या कॉम्बिनेशनल सर्किट फीडबैक के साथ, या इनमें से कोई नहीं। फुल अदर से क्या तात्पर्य है, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, सार्वजनिक इमारतों ऑफिस में आमतौर पर कौन सा वायर सिस्टम लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग या कॉशिंग केपिंग वायरिंग या CTS वायरिंग या कंडक्ट वायरिंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, कंडक्ट वायरिंग, ठीक है। कंडक्ट वायरिंग क्या होता है, या इमारतों या घरों या ऑफिस बनाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14,
डीसी जनरेटर से उत्पन्न होने वाला ईएमएफ डॉट डॉट प्रभावित ईएमएफ है, गतिहीन या गतिशील या मैग्नेटिकली या इलेक्ट्रोस्टैटिकली। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, गतिशील। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, डीसी मोटर में अम्परेचर करंट की क्या दिशा होती है, वही जो जनरेटेड ईएमएफ से होती है या जनरेटेड ईएमएफ के विपरीत होती है, या अम्परेचर ईएमएफ की दिशा पर निर्भर करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, या अम्परेचर ईएमएफ की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद और देखिएगा दोस्तों, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको आगे बहुत काम आने वाला है ये वीडियो, और इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपके इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए, जो इलेक्ट्रिशियन से स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, उपयुक्त डीसी मोटर सीरीज इलेक्ट्रिकल ट्रांजिशन के लिए सबसे उपयुक्त है, क्यों है एक डीसी मोटर सीरीज इलेक्ट्रिकल ट्रांजिशन के लिए सबसे उपयुक्त है, क्यों है? इससे शुरुआत के समय उच्च बल विकसित होता है, या बहुत तेज चलता है, या ज़्यादा सस्ता होता है, या फिर इंडक्शन मोटर की भांति बनावट में उबड़ खाबड़ होता है, क्यों होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, क्योंकि इसे शुरुआत के समय उच्च बल का विकास करता है, यानी कि उच्च बल लगाता है। उसके बाद आता है 17 नंबर क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में प्रयोग होने वाले कम्यूटेटर का क्या कार्य है, करंट का संचयन करना, घाटे को कम करना, या फिर कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, या एसी अम्परेचर करंट को डीसी में बदलने के लिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, एसी अम्परेचर करंट को डीसी में बदलने के लिए डीसी जनरेटर में प्रयोग होने वाले कम्यूटेटर का कार्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, पीवीसी का अर्थ क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पोस्ट वर्निश कंडक्टर, पेस्ट एंड वर्निश क्लॉथ, या पॉजिटिव वोल्टेज कंडक्टर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा दोस्तों, लिखा क्या है, डीसी मशीन का इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके समानुपाती होता है, केवल फील्ड फ्लक्स के, या अम्परेचर की गति से, या कितने कंडक्टर हैं, या इनमें से सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, इनमें से सभी। वह क्या करता है, डीसी मशीन का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वह किसके समानुपाती है, वह केवल फील्ड फ्लक्स के, और अम्परेचर गति की दिशा से, और कितने कंडक्टर हैं, इन सभी के समानुपाती है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, डीसी मशीन को योग किस चीज़ से बनता है, तांबा, कार्बन, कास्ट आयरन, सिलिकॉन, स्टील, किस चीज़ से बनता है? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, कास्ट आयरन। क्या? कास्ट आयरन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, एक अलग से उद्दीपित डीसी जनरेटर का फील्ड किससे जुड़ा होता है, अम्परेचर की सतह पर एक सीरीज में, या अम्परेचर के आधार आर पार, या बाहरी सप्लाई सोर्स से, या इनमें कोई दोष नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा 21 में, बाहरी सप्लाई सोर्स से। यह क्या करता है, एक अलग से उद्दीपित डीसी जनरेटर के फील्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, बाहरी सप्लाई सोर्स, क्या होता है, बाहरी सप्लाई सोर्स। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, आर्क वेल्डिंग में इनमें से कौन सा जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, सर्ट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, या डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, डिफरेंशियल कंपाउंडर जनरेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, डीसी मोटर के अम्परेचर की स्थिरित क्यों किया जाता है, भार को कम करने के लिए किया जाता है, या इंडिकेटर को कम करने के लिए किया जाता है, या फिर एडिट करंट के घाटे को कम करने के लिए, या हिस्टेरेसिस घाटे को कम करने के लिए? तो डीसी मोटर का जो अम्परेचर को स्थिरित किया क्यों किया जाता है, वह एडी करंट के घाटे को कम करने के लिए किया जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, वीडियो का लास्ट, लिखा क्या है, वेव उंड अम्परेचर के समांतर पथों की क्या संख्या होती है, मशीन में जितने खंभे व उतने ही, या दो के बराबर खंभों की गिनती पर निर्भर नहीं करता है, या कम्यूटेटर सेगमेंट की गिनती के बराबर, या अम्परेचर कंडक्टर में गिनती के बराबर? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, वेव वुंड अम्परेचर के साथ समांतर पथों की जो क्या संख्या होगी, तो वह क्या, दो के बराबर होगी, और खंभों की गिनती पर निर्भर नहीं करता। या वेव अम्परेचर जो होता है वह समांतर पथों के दो संख्या के बराबर होगी। ठीक है, और वह क्या करता है, खंभों की जो गिनती पर निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अलविदा। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद, जय भारत।